हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखास किचन। आज हम बनाएंगे सेपू वड़ी। सेपू वड़ी हिमाचल की डिश है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। ये हमने साबुत उड़द की दाल ली है, इसे हमने 10 से 12 घंटे पानी में भिगो लिया है। इसे काली माँ की दाल भी कहते हैं। ये हमने दरदरी पीसी हुई काली मिर्च ली है, इसे हमने मोटा मोटा पीसा है। साबुत जीरा, लौंग लिए हैं, इसे भी हमने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। नमक और हमने दरदरा पिसा हुआ सौंफ का पाउडर लिया है। इनकी मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट कुकिंग विथ रेखा। ये हमने दाल ले ली है। इस दाल को, ये जो हमने भीगी हुई दाल है, इसमें से हम थोड़ा 50-60% इसका छिलका उतार लेंगे। ये इस तरह से लेंगे इस दाल को और इस तरह से हाथों से मसल के इसका छिलका उतर जाएगा। ये देखिए इस तरह से, यदि हम इस तरह से इसे मसलेंगे तो इसका जो छिलका है वो पानी के ऊपर आ जाएगा इस तरह से। तो ये फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो हम इसे सबसे पहले इसे इस तरह से मसल के इसका छिलका उतार लेते हैं। ये फ्रेंड्स, हमने दाल का छिलका उतार लिया है। ये सारा छिलका नहीं उतरा है, इसमें कुछ छिलका रह जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम इसे मिक्सर जार में पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने दाल मिक्सी में पीस ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मसाले। ये हम साबुत जीरा ये ऐड कर देंगे, सौंफ का पाउडर, ये लौंग हमने इसे पीस लिया है, लौंग को क्रश की हुई काली मिर्ची, और सॉल्ट हम बाद में ऐड करेंगे जब हम इसकी बढ़िया बनाकर पानी में बॉईल करने वाले होंगे, उस वक्त हम इसे इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देना है। उससे ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। फ्लफ़ी होने से हमारी जो बढ़िया है वो काफ़ी सॉफ्ट बनेगी। तो इसे हम अब 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए रख लेते हैं। ये फ्रेंड्स, हमने इसे 20 मिनट तक रेस्ट पे रख लिया था, उसके बाद हमने इसे अब निकाल लिया है। अब हम इसकी बढ़िया बनाएंगे। दूसरी साइड हमने पानी बॉईल करने के लिए लगा दिया है। ये इसमें अब हम सॉल्ट ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये रेस्ट रख पे हमने इसे 15 मिनट रखा था, 15 से 20 मिनट, उसके बाद ये थोड़ा फ्लफ हो गया है। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये हमने सॉल्ट इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हमें बढ़िया बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी में पानी लेंगे। पानी में अपने हाथ गीले करेंगे ताकि जो दाल है ये हमारे हाथों में चिपके नहीं, इसलिए हमने हाथ गीले कर लिए हैं। हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे अपने हाथों में, हाथ से उठा लीजिए इस तरह से, या तो इस तरह से, और इसकी एक इस तरह से हम शेप बना लेंगे। ये देखिए इस तरह की हमने शेप बना ली है, और इस शेप को हम पानी में, बॉइल्ड पानी में डाल देंगे। मैंने बॉइल्ड पानी पहले से लगा दिया है गैस पर करने के लिए, तो अब हम इसे पानी में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बड़ी हम पानी में डाल देंगे। पानी बिल्कुल आपका बॉयल होना चाहिए पूरी तरह से। ये हमने इस तरह से इसमें डाल दी है। इसी तरह से हम सारी बढ़िया बनाकर इसमें बॉईल करने के लिए डाल देंगे, और हमें इसे 15 से 20 मिनट तक बॉईल करना है। मैं इसमें दूसरी भी डाल देती हूँ इस तरह से। इसी तरह से मैं सारी बढ़िया इसमें डाल देती हूँ। ये फ्रेंड्स, मैंने सारी बढ़िया इसमें डाल दी है बॉईल करने के लिए। अब हम इसे 20 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक इसे बॉईल होने के लिए इसी तरह से रख देंगे। इसमें थोड़ा झाग आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दाल उड़द की दाल है, इसमें झाग आता है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने के लिए इसी तरह से रख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बढ़िया एक साइड से अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी थी, तो हमने इसे फोल्ड करके दूसरी साइड बॉईल करने के लिए लगा दिया है। अब इसी तरह से हम इसे दूसरी साइड से भी बॉईल होने देते हैं।
ये फ्रेंड्स इसे 15 मिनट हो चुके हैं बॉयल होते हुए। एक बार हम इसमें टूथपिक डाल के चेक कर लेते हैं। यदि हमारी टूथपिक क्लीन आती है बाहर तो इसका मतलब बढ़िया हमारी पक चुकी है, बॉयल हो चुकी है अच्छी तरह से। नीचे तक अच्छी तरह से डाल दीजिए इस तरह से। ये हमने निकाल दिया है, टूथपिक बिल्कुल साफ़ बाहर आई है, इसका मतलब बढ़िया अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है। यदि टूथपिक में दाल चिपकी हुई बाहर आए तो समझिए कि अभी बॉयल नहीं हुई है, तो इसे और बॉयल होने दीजिए। तो अब हम गैस बंद करके इन बड़ियों को निकाल देंगे। ये फ्रेंड्स हमने बढ़िया निकाल दी है। अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने तक वेट करेंगे, जब तक ये पूरी तरह से ठंडी ना हो जाए। ये फ्रेंड्स हमारी बढ़िया ठंडी हो चुकी है पूरी तरह से। अब हम इनके पीसेस कट करेंगे। पीसेस कट करने के लिए हम पहले बोर्ड ले लेते हैं, चॉपिंग बोर्ड। इसकी आप शेप अपने पसंद से काट सकते हैं। मैं इसे क्यूब्स में कट करूँगी। क्यूब्स में कट करने के लिए मैं इसे इसकी पहले साइड से कट कर लूँगी इस तरह से, ताकि बिल्कुल अच्छी शेप में आए। देखिए इस तरह से इसे कट कर लीजिए। आप चाहें तो इसकी छोटी शेप्स भी बना सकते हैं इस तरह से, इस तरह से, जैसे कि हम पनीर के पीसेस कट करते हैं इस तरह से। ये हम इसी तरह से बाकी बड़ियों को भी कट कर देंगे पीसेस में। ये फ्रेंड्स हमने इसके पीसेस कट कर लिए हैं सभी बड़ियों के। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो हम ऑयल गर्म करने के लिए लगा देते हैं। ये हमने ऑयल लगा दिया है गर्म करने के लिए। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा। एक बड़ी इसमें डालकर चेक करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम सभी बड़ियाँ डाल देंगे। ये फ्रेंड्स हमने इसमें बढ़िया डाल दी है और गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर रखा है। तो इसे हम फ्राई करेंगे। बढ़िया थोड़ी ज़्यादा है तो हम इसे 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। ये हमने इसमें फर्स्ट बैच डाल दिया है। इसे हमें लाइट सा गोल्डन ब्राउन होने देना है, बहुत लाइट, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है। और बीच में इसे हमें पलटते रहना है इस तरह से। ये फ्रेंड्स हमारी बढ़िया फ्राई हो चुकी है, इसमें लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। ये हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो ऑब्जर्व हो जाए। अब हम सेकंड बैच भी फ्राई करने के लिए डाल देंगे इसी तरह से। ये फ्रेंड्स हमारी सेपू वड़िया बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे हम टमाटो ग्रेवी में भी बना सकते हैं और इसे हम पालक ग्रेवी में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप आलू के साथ बनाकर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए। और यदि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।